हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 4313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम, आप लोगों की आपके पार्टनर्स के लिए और आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। करंटली आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हो, सेपरेट सेपरेट में कार्ड्स देखूंगी जैसे मैं देखती हूँ। एंड सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी, ठीक है ना। आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करूँगी कि करंटली आप दोनों की अपनी अपनी क्या एनर्जी है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइस उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें शॉर्ट रीडिंग्स के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश में समझते हैं रीडिंग्स को तो डेफिनेटली आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखूंगी मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी, लास्ट पे मैं म्यूचुअल आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन के लिए वो भी देखूंगी, ठीक है। आपका नो कॉन्टैक्ट है स्पेशली, तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ब्रेकअप हो चुका है, आपका सेपरेशन हो गया है, बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। आप जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जी क्या है, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप लोग इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी देखूंगी कि आप लोग किस एनर्जी में हो। जो मेरे व्यूवर्स आप लोग हैं, आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स गाइड करके मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स, यूनिवर्स गाइड करके। सो गाइस, जितना रेजोनेट हो आप लोगों ने उतना रखना है। ज़बरदस्ती अपने पे कुछ भी फिक्स नहीं करना। सो फर्स्ट वी हैव 32 डोर टू स्पिरिट। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो गाइज, ठीक है। आप लोग अपने आप को जो है वो स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। या आई फील लाइक आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यस, सी बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है बहुत से लोगों की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं और आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है, काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। आप लोगों के लिए 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ 12 आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, 32 एज हो सकती है आपकी, आपके इस पर्सन की। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो। यस, आप लोगों को बेसिकली अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है और कुछ लोगों को ये जो कनेक्शन आपका जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपका बेसिकली कनेक्शन क्या है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आ रही है आप लोगों की। चलिए देखते हैं आप जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है जिनके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर उनके लवर करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है। एंजल ऑफ बैलेंस 48 इस पर्सन की एज हो सकती है, आपके पार्टनर्स की, आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए भी बॉटम ऑफ द डेक 12 था, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 एज आपकी है इस पर्सन की हो सकती है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर। सो गाइज, आपके जो पार्टनर्स हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं इस टाइम। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चल रहा है, काफ़ी चीज़ों अप्स एंड डाउन्स चल रही थी, बट अब आई फील है कि पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बैलेंस हो गया है। कुछ तो इस पर्सन को बैलेंस बनाने की समझ भी उधर आ गई है, ठीक है। और ये पर्सन भी एंजल से मुझे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड लग रहा है। एंजल इस पर्सन को गाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इजिप्ट से हो सकता है, मुझे यहाँ पे यू नो बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा समझ आ रही है। इजिप्ट से हो सकता है ये पर्सन, यस, कोई मिस्र या अरबी हो सकता है ये पर्सन, आई डोंट नो, मुझे बस एनर्जी आ रही है ऐसी। बट ये पर्सन जो है अपने आप को बैलेंस कर रहा है और हो रहा है बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर्स बैलेंस, ठीक है। अगर इनको अपनी समझ भी नहीं आ रही थी कुछ चीज़ें इम्बैलेंस थी, तो अब बैलेंस हो चुकी हैं, वो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। सो एनी हाउ, चलिए देखते हैं कि आप लोग जो हो उनके आपके करंट इमोशंस क्या हैं आपके पार्टनर्स के लिए। आप करंटली जो है उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर्स के लिए। आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो आप लोग कैसा फील कर रहे हो उनके लिए। आप लोगों की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर्स के लिए, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए।
फर्स्ट वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है गाइस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थ्री नंबर अगेन है यहाँ पे, थ्री नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे बैक टू बैक यहाँ पे थ्री की एनर्जी नज़र आ रही है और हो सकता है आप लोगों को ट्रिपल थ्री नंबर भी दिखाई देता हो कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही। अगेन थ्री, मैं क्या बोलूँ गाइस, यहाँ पे थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, थ्री ऑफ कप्स, देन वी हैव हैंगमैन पाइसेस एंड हमारे पास है हाई प्रिस्टेस, अगेन पाइसेस की एनर्जी है। टू ऑफ स्वॉर्ड, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सो आप लोगों की यहाँ इस पर्सन की एज 22, 27, 23, 32, 37, यस क्योंकि 32 वहाँ पे भी है, 32 यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है। तो फाइव नंबर भी आप लोगों के लिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। सो आप लोगों की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर्स के लिए इस टाइम, आप लोग जो हो ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन हैंग चल रही है, लाइक आप लोगों का बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रही है, कनेक्शन मूवमेंट नहीं हो रही, बेटर चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हो गाइस। आप लोगों ने किसी चीज़ में डिसीजन लेना है बट आप लोग इनडिसाइसिव हो, आपको समझ नहीं आ रही। या तो आप लोगों के पास दो रास्ते हैं जहाँ से आपने कोई एक रास्ता चूज़ करना है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटल टेंशन में भी मुझे नज़र आ रहे हो, डेफिनेटली आप लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हो, कनेक्शन में आगे मूवमेंट चाहते हो, आप लोग चाह रहे हो इस टाइम, आप लोगों की फीलिंग्स हैं कि आपका इस पर्सन के साथ दोबारा से पैचअप हो जाए, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएँ बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील कर रहे हो। टेलीपैथी कनेक्शन आप लोगों को ना इस पर्सन के साथ फील होता है, मे बी थ्रू ड्रीम्स भी आप लोग इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, ड्रीम्स के थ्रू आप लोग इस पर्सन को देख भी रहे हो कुछ लोगों की, मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। बट आप लोग जो हो ना इस टाइम या तो आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की इस पर्सन को, मुझे ये भी फील हो रहा है, आप में से ये पर्सन आपका फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपका फ्रेंड है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, बट किसी ना किस तरह से वर्क प्लेस से भी ये पर्सन आपका हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे आई डोंट नो क्यों फील आ रही है कि आप लोगों ने इस पर्सन को अपना एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, या इस पर्सन ने आपको नहीं की, ये भी सिचुएशन हो सकती है, बट आप लोग चाह रहे हो कि अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप इस पर्सन को बताओ, आप लोग इस पर्सन से यूनियन करना चाहते हो, डेफिनेटली आप लोगों की फीलिंग्स हैं और या तो आप लोग कुछ लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हो, कुछ लोगों से इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो क्योंकि आप सॉर्ट करना चाहते हो ना सब चीज़ों को, एंड या मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन लग रही है, या तो आप लोगों किस तरह का टीम वर्क भी करते हो इस पर्सन के साथ। ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से कोई पर्सन है जिसके साथ आप लोगों को अपनी सोच को चेंज करना है गाइस, आपकी सोच थिंकिंग चेंज नहीं है क्योंकि आपकी थिंकिंग में क्लैश आ रहा है, ये पर्सन किसी और पर्सपेक्टिव से सोचता है, आप लोग किसी और चीज़ से सोचते हो, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा और आप लोग चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको लव प्रपोजल दे, ठीक है ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग इस पर्सन से प्यार करते हो और आप लोग चाहते हो कि आपको लव प्रपोजल दे, आपको रोमांटिक प्रपोजल दे, रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करे, आपको कमिटमेंट दे, आप लोग वेट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का, दैट्स वाई आप कंफ्यूज हो, आपको इस टाइम ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को इस पर्सन की तरफ स्टेप लेना चाहिए या फिर इस पर्सन का वेट करना चाहिए कि ये आपसे खुद आके बात करे। तो उस वजह से आप लोगों ने काफ़ी हद तक सरेंडर आप करना चाहते हो यूनिवर्स पे, फोर्स नहीं करना चाहते, बट अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि आप लोग कन्फ्यूज हो, यहाँ काफ़ी हद तक आपको समझ नहीं आ रही कि आप सरेंडर करो टोटली यूनिवर्स पे या कि आप लोग अपनी एफर्ट डालो इस कनेक्शन में किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या आप लोग खुद उस पर्सन से बात करो। बट आई फील लाइक आप लोग या तो इस पर्सन को किसी के साथ डिस्कस करते हो क्योंकि आपको सोल्यूशन कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं समझ आ रही कि कनेक्शन में आगे आप क्या करो, जबकि आप लोग यूनियन चाहते हो इस पर्सन के साथ, आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन हो, अगर कोई चीज़ें हाइड हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रही हैं कि कुछ मिस्टीरियस यहाँ पे एनर्जी है, चीज़ें छुपी हुई हैं, या तो क्लैरिटी इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं है या फिर आप लोगों ने खुद इस पर्सन को क्लियरली अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्यों, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के साथ मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है कुछ लोगों को कि ये पर्सन की लाइफ में आप लोगों के अलावा कोई है या नहीं है, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हो
कि आगे क्या स्टेप लिया जाए। तो आप लोगों की जो ओवरऑल फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए वो कन्फ्यूजिंग है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि आप लोग क्या करें, आप लोग मेंटल टेंशन में हो। सो गाइज ये मेंटल टेंशन को ख़त्म करिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ का सलूशन नज़र नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आप लोग किसी से डिस्कस करिए उस चीज़ को, ठीक है। यस उस पर्सन से डिस्कस करिए जिसको इसका भी पता हो। तो अपनी किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप हेल्प लेके इस पर्सन के साथ बात कर सकते हो या उसकी बात करवा सकते हो उस पर्सन से। ये आपके चीज़ों का ये जो कन्फ्यूजन है उसका सलूशन है, अगर आप खुद एफर्ट नहीं कर सकते तो, ठीक है। क्योंकि कुछ यहाँ पे चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है एंड चीज़ें क्लोज हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हाइड हैं, आपको नहीं पता, वो अभी आपके सामने ओपन नहीं होंगी। आप इसको डिस्कस करिए किसी के साथ जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है उसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि वो ही आपकी गाइड आपको गाइड कर सकता है इस कनेक्शन में। अदरवाइज आप लोग अटके रहोगे यहाँ पे। चलिए अब मैं देखूंगी कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो आपके लिए कैसा फील करें, क्योंकि आप लोग इस पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप लोग चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट दे, बिकॉज आप लोगों को इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, ठीक है। यूनिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग इमोशंस क्या? फर्स्ट वी हैव सिक्स ऑफ वैंड सीरीज लियो सैजिटेरियस, सेवन ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव स्टार एक्वेरियस, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस टाइम कुछ ना कुछ आपका साइकिल चल रहा है इस पर्सन के साथ, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड है, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, कोई ना कोई साइकिल है इस पर्सन का आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन और आप, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको छोड़ के गया है, आपसे वॉक भी करके गया है ये पर्सन ना। यहाँ तो इस पर्सन ने आपसे खुद कनेक्शन ख़त्म किया है, मुझे यहाँ पे मोस्टली फीलिंग्स यही लग रही है। यस तो अब ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहा है, इस पर्सन की जो एज है वो 24, 26, 27, 21, 36, 34, 37, 40 प्लस भी है क्योंकि वहाँ 48 है। ओके सो गाइज आपके जो पार्टनर्स हैं इस टाइम जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो ना, आप तो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो ना, लाइक इनडिसाइजिव, वो दो रास्तों में से। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कुछ सोच रहा है, आपके जो पार्टनर्स हैं वो मुझे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं रेदर देन यू। आपको मेंटल टेंशन है, इसको मेंटल टेंशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन है। ये पर्सन को फील होता है जैसे आप लोगों के पास लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, जहाँ से आप लोग किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन को चूज़ करो। तो आप लोगों के लिए जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आप लोगों के पास आने के लिए। इस टाइम का ना कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों का, यस मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड ये पर्सन वेट भी कर रहा है किस्मत का, किस्मत कोई ना कोई ऐसा करे कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ कनेक्शन जो है दोबारा से ठीक हो जाए, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आप लोग इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, ये डिफरेंस है आप दोनों का, ठीक है ना। यस आप लोग तो 3D लेवल पे रियलिटी में इस पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हो और ये पर्सन भी चाहता है। अभी तो 5D लेवल पे आप लोगों की तरफ से चीज़ें हैं, बट ये पर्सन जो है गाइस आप लोगों को देखता है, आप लोगों के लिए जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की वो यही है कि ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, बट इस टाइम कन्फ्यूज है कि आप लोगों की तरफ प्रपोजल कैसे लेकर आए। यहाँ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पर फोकस्ड कर रहे हो, दैट्स वाई ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपको अप्रोच करने की, बट ये पर्सन कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करता है आप लोगों को लेके। आप लोगों के साथ यूनियन करने के लिए इस पर्सन की डिज़ायर है, जिसको ये काफ़ी ज़्यादा खुली आंखों से ख्वाब देखता है, एक ख्याली पुलाव जो होता है ना, ये पर्सन वो पकाता है आप लोगों के लिए। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आई फील लाइक मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को, कि सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, ये किस चीज़ को लेके इतना कन्फ्यूज है कि आपका पर्सन जो है। ओवरऑल ये पर्सन मुझे ज़िद्दी भी लग रहा है, यस इस पर्सन ने डेफिनेटली गाइस इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, जजमेंट, यस
आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी अवेकनिंग हो रही है, इस होल सर्चिंग कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, अदरवाइज़ ये ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था आप लोगों से, उस वजह से आपका जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है ना, कम्युनिकेशन को इस पर्सन ने ख़ुद नहीं ठीक किया आप लोगों के साथ, उस बारे में ये पर्सन अपनी रियलाइजेशन कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा अब ये पर्सन, क्योंकि ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिबर्थ चाहते हैं। किस ना किस तरह का कार्मा फेस कर रहा है ये पर्सन, मैंने आपको पहले भी बताया कोई ना कोई साइकिल चल रहा है, एंड इसको रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का भी है जो रियलाइजेशन को बता रहा है मुझे यहाँ पर। अदरवाइज़ मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, आप हीलर हो उनके लिए, बिकॉज आप लोग खुद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। एंड मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आप में से बहुत से लोगों की अवेकनिंग हो रही है और बहुत से लोगों के पार्टनर्स की भी अवेकनिंग हो रही है, दोनों की अवेकनिंग चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों ही मेंटली कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, आपको खोना नहीं चाहता, प्रपोज़ल देना चाहता है, बट इस पर्सन की जो ईगो है वो बीच में आ रही है, जिसकी वजह से यूनियन डिले हो रही है आप लोगों की, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ तो आपने किया या इस पर्सन ने किया है ऐसा, जिसकी वजह से यहाँ पे इजी नहीं हो रहा इस पर्सन के लिए आप लोगों की तरफ स्टेप लेना। यस, एंड अवेकनिंग हो रही है आपके पर्सन की, दैट्स वाई ये पर्सन अभी थोड़ा सा हर्मिट मोड पे है, आइसोलेशन में, इस पर्सन ने आइसोलेट किया हुआ है खुद को। हीलिंग की ज़रूरत है गाइज इस पर्सन को, ये पर्सन जब तक हील नहीं होगा आप लोगों की तरफ स्टेप नहीं लेगा कोई, ठीक है। यस, अदरवाइज ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहा है। यस, मैं आई थिंक यहाँ से देखूंगी एक एक कार्ड आप लोगों की तरफ से, देन मैं आप लोगों की जो है म्यूचुअल फीलिंग्स चेक करूंगी इस कनेक्शन के लिए। पहले मैं एक कार्ड आपकी तरफ से लूंगी कि आप लोगों की आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं, आप लोगों की करंटली क्या इमोशंस, कैसा फील कर रहे हो आप लोग। इंट्यूशन, या आप लोगों की इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है गाइस, अपनी इंट्यूशन को सुनिए गाइस, आप लोगों की गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है, कोई यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से कोई अगर आपको यू नो मैसेज मिल रहे हैं तो उस पर फोकस करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस की एनर्जी भी है, आप लोग यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आपकी अपनी एनर्जी है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं आपको उसको सुनने की ज़रूरत है, उसमें किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई आपको क्या कह रहा है उस पर फोकस नहीं करना, अपने आप फोकस करिए, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही हैं, आपकी इनर सेल्फ आपको क्या बता रही है, क्योंकि वो चीज़ सच है, क्योंकि आप लोग खुद मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हो गाइस, ठीक है ना, स्पिरिचुअल हो तभी तो आप लोग ये रीडिंग्स देखते हो। तो चलिए मैं देखती हूँ, आप लोग एक इंट्यूशन लेवल पे ना इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, टेलीपैथी, आप लोगों को इस पर्सन के इमोशंस फील भी होते होंगे। अब मैं देखूँगी आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग। ये पर्सन बेसिकली विक्ट्री चाहता है, बट इसकी ईगो बीच में आ रही है, बात करना चाहता है आपसे, एंग्री, यस आई थिंक ये पर्सन आपसे किसी वजह से एंग्री है, बट स्टिल ये इसकी नज़र आप पे है, ये पर्सन एंग्री है आपसे, ठीक है ना, किसी ना किसी बात पे कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन ईगो में बैठा हुआ है, इसको भी पता है कि आप लोग भी इस पर्सन से नाराज़ हो, बट स्टिल इस पर्सन की आईज आप पे है, इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, यस, क्योंकि इसको हीलिंग की ज़रूरत है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको रेस्ट चाहिए, मेंटली पीस चाहिए, तभी ये पर्सन कोई आगे आपके मूवमेंट लेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई मूवमेंट लेगा, जब तक इसको खुद ही मेंटली पीस नहीं मिलेगा, काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है, इसको हीलिंग भेजिए, मैनिफेस्ट करिए। चलिए मैं देखती हूँ कि आप दोनों की इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। ये एम्परर बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, म्यूचुअल फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस कनेक्शन के लिए क्या है, दोनों म्यूचुअली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो, देन वी हैव जजमेंट, यस, आप दोनों जो हो ना रिवर्स चाहते हो इस कनेक्शन की, दोनों दोनों की अवेकनिंग हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी काइंड हो, काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशंस हैं दिल में बट एक्सप्रेस नहीं किए उतने, तो दोनों एक्सप्रेस करना चाहते हो, दैट्स वाई आप लोग इस टाइम यूनिवर्स की तरफ से वेट कर रहे हो आपके साथ जजमेंट का। आपकी विश है एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन में आपकी दोबारा से यूनियन हो, रिबर्थ हो, कि न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। तो यार दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है, म्यूचुअल फीलिंग्स जो है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनियन की है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ने अपना लव जो है ना वो कंट्रोल किया हुआ, जितना फील करते हो उतना एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, तो वो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो क्योंकि आप दोनों की ही विश है कि कनेक्शन ठीक हो, ठीक है। सो यार दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।